நீயில்லாத நாளல்ல நாளாகுமா, நீயில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா. யோஹன்னா ரச்சன சுசமாச்சார் உஸ்கி 12வாம் அத்தியாய 31 வச்சன் கோம் படேங்கே. அப் இஸ் ஜகத் கா நியாய் ஹோதா ஹை, அப் இஸ் ஜகத் கா சர்தார் निकाल दिया जाएगा. इस संसार का सरदार जो मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो पाप का गुलाम में है, जो दुख में, ये सारे लोगों को अपने अंदर में शैतान रखा है, जो व्यभिचार करते हैं, जो नशीली पदार्थ का गुलाम रहते हैं, बहुत लुच कामों के द्वारा शैतान गुलाम बना कर रखा है. जो व्यक्ति जिसमें हारा हुआ है वो उसमें गुलाम है. शैतान नाना प्रकार की गंदी आदतों के द्वारा उनको गुलाम बना कर रखा है. शैतान अपने हथेली में वो दबा कर रखा है, प्रभुता करता है. सुसंदेश का ज्योति उनके सामने प्रकाशित नहीं होना, वो मन की आंखों को बंद करके रखा है. इस प्रकार शैतान इस जगत का सरदार होके बहुत लोगों को अपने वश में गुलाम बना कर रखा है, बंदी के रूप में वो रखा है. अधर्मों के लिए, पापों के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, वेश्यागमन के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, इंटरनेट के लिए, नस्ली पदार्थों के लिए गुलाम बना कर रखा है. यही संसारिक है. इस संसार की लोहों की आत्मिक आंखों को बंद करके गुलाम बना के रखा है. यीशु के झुंड उसको सामने करने वाला झुंड है. वे अपने लोहों के बारे में कभी नहीं चिंता करता शैतान. शैतान सिर्फ यीशु की लोहों पर ध्यान करता है. जो यीशु से प्यार करते हैं, जो यीशु को आराधना करते हैं, उससे शैतान जलता है. यीशु के प्रिय लोहों से शैतान नफरत करता है, कैसे बिगाड़ना सोचता है, इसलिए बीमारी को लाता है, घर में समस्या को लाता है. जहां काम करते हैं आपते हैं आपके विरोध में लोहों को कड़ा करके आपसे वे लोग जलते हैं. इस प्रकार शैतान बहुत कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा. ये सारी समस्या से जीतने के लिए मैं ताकत दूंगा. हालेलुया. परमेश्वर कहता है इस उपद्रव को, क्लेश को देके आप जो है दूसरे जगह में नहीं जाना है. कुछ भी समस्या आने से, कुछ भी क्लेश रहने से हम स्थिर रहेंगे. परमेश्वर हमारी सारी परीक्षाओं में विजय को देने वाला है. हालेलुया, हालेलुया. क्लेशों में, दुखों में हम विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे. हालेलुया, स्तुति हो.